नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। मेरे आयुर्वेदिक इलाज 100% सटीक इलाज, घरेलू इलाज आयुर्वेदिक से। देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है कोरोना वायरस या किसी भी प्रकार के वायरस, आप इनसे सुरक्षित कैसे रहें, कैसे फिट रहें। जो ये वायरस आते हैं और शरीर पर हमारे अटैक करते हैं, तो और हम इनसे कैसे बचें और कैसे इम्यूनिटी को हम अपनी इतनी बढ़ाएं कि ये चीजें हम पर कुछ भी असर ना करें। तो इसके लिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आप घर पर ही कैसे फिट रहें, मैं आपको कुछ योगा बताऊंगा, यहां पे देख लें आप, कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप घर पर रहकर इसको आप कर सकते हैं। चाहे लॉकडाउन हो या ना हो, आप नेचुरली आप इसको कर सकेंगे घर पर और कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा। खाने पीने में मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, जैसे कि खाने में आप इसमें लीजिए ग्रीन सब्जी, पानी जो आप इसमें, जैसे अगर आप मॉर्निंग में गर्म पानी लें तो उसमें आप थोड़ी हल्दी डालें, एक डेढ़ चुटकी आप इसमें हल्दी डालें। अगर दो गिलास पानी है, दो चुटकी हल्दी डालें, अगर एक गिलास है तो डेढ़ चुटकी हल्दी डालें और उस पानी को गरम गरम उबलते हुए पानी में डालनी है आपको हल्दी, और उसको आप जितना गरम पियेंगे उतना आपको फायदा होगा। और दूसरा इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन में एक सब्जी, एक ऐसी सब्जी होनी चाहिए जिसमें कि मेथी दाना हो, भुना हुआ मेथी दाना, सरसों के तेल में या तिल के तेल में, आप दोनों ही तेल में इसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप सब्जी नहीं बनी है, आप मेथी दाना को कैसे खाएं सब्जी के साथ, कम से कम आपको दोपहर के भोजन में और रात्रि के भोजन में आपको 8 से 10 दाने भुने हुए मेथी दाना के आपको एक सब्जी में डाल के खाना चाहिए, या आपको ऐसे ही खा लेना चाहिए जैसे आप भोजन कर रहे हैं, 8-10 दाने आप एक टुकड़े में लगा के आप उसको खा लें चबा चबा कर, जितना चबाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा। लेकिन वो सरसों के तेल में भुने हुए होने चाहिए या तिल के तेल में, तेल नहीं होना चाहिए उनके अंदर, केवल आपको भून के उनको निकाल लेना है और उनको चबा चबा कर खा लेना है। आपको बहुत लाभ करेगा, आपकी बॉडी को बहुत ही शक्तिवान बनाएगा और किसी भी प्रकार का वायरस हो आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि आप भोजन कर चुके, रात्रि में आपने भोजन किया है, तो आप हल्दी का दूध, हल्दी के दूध का सेवन करें रात्रि में। जब आप सोने के लिए जाएं, रात्रि में आप हल्दी का दूध, एक गिलास दूध में आधी चम्मच से आधी चम्मच, एक तो एक चम्मच हो गई, आधी चम्मच से आधी चम्मच हल्दी डालनी है एक गिलास दूध में। उसको आप देखिए, दूध गर्म होना चाहिए और उसको आप जब डालें तो मिक्स कर लें, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, क्योंकि हल्दी नीचे बैठ जाती है। पाउडर बना हुआ होना चाहिए बारीक हल्दी का, हल्दी की गांठ जो है अपने घर पर ही लाकर ड्रायर में आप पीसकर उसको आप बनाएं, क्योंकि बाजार की हल्दी यूज ना करें, जैसे कि पाउडर बना हुआ ले आते हैं वो यूज ना करें, उसमें मिलावट हो सकती है, जो आपको फायदा होना चाहिए वो आपको नहीं होगा। इसलिए हल्दी की गांठ लाए, उसका आप घर पे पाउडर बनाएं और दूध में आप रात्रि में सोते वक्त उसको आप यूज करें। और चाय में आपको एक ही बार चाय पीनी है, आपको उसमें डालना है गिलोय, या आप उसमें 3-4 चीजों को डाल सकते हैं, एक लौंग,
दो काली मिर्च और एक तुलसी का पत्ता आपको मिल जाएगा, और दालचीनी। ये गर्मी में केवल आपको मात्र एक बार पीनी है, और सर्दी में आपको दो बार चाय पीनी है। सर्दी में तो आप इसको चाय को 3 बार भी पी सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मगर अगर आप इसको गर्मी में लेते हैं तो क्या होगा कि थोड़ा बीपी हाई हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है। इसलिए गर्मी में आप एक ही बार यूज करें। और जो महामारी जैसे आती हैं, किसी भी प्रकार की महामारी, इसमें आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और कोई भी आपको साइड इफेक्ट इन चीजों का नहीं होगा लेने से, नेचुरल है। योगा का मैं आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं, आप इसको कर सकते हैं। एक्सरसाइज है जो आप घर पर रहकर अपने आप को फिट रख सकते हैं। और जिम जाने से इसमें, जैसे अगर कोई महामारी चल रही है तो जिम जाने से आपको बचना चाहिए। आप घर पर ही पुशअप वगैरह कीजिए, और जिम जाने से या कोई भी अन्य प्रकार का जिम का कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कोई भी आपका पाउडर जो सप्लीमेंट्री आती है, ये नहीं लेने चाहिए महामारी के दौरान, क्योंकि बहुत साइड इफेक्ट आता है इसमें। इससे आपको बचना है। और नेचुरल चीजें लीजिए, कोई भी आप फल ले सकते हैं, ग्रीन सब्जी खा सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए मेरे आयुर्वेदिक इलाज, घरेलू उपाय, सटीक इलाज, 100%।